कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल उड़ारियां के आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि तेजो को वापस पाकर सभी काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और फतेह से पूछते हैं कि आखिर उसे तेजो किस हाल में मिली थी, जिसके बाद फतेह सभी को बताता है कि किस तरह से उसने तेजो को गुंडों से बचाया और फतेह काफी ज्यादा इमोशनल होता दिखाई देता है, जिसके बाद तेजो कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं फतेह अपने घर आ जाता है और घर आकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है, बॉक्सिंग बैग को पंच मारता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, खून निकल आता है। ये देखकर गुरप्रीत फतेह के पास आती है और उसे समझाती है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उसे अपना दिल कड़ा करना होगा, तेजो की भलाई इसी में है। वहीं फतेह की बहनें भी उसे समझाती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी ओर तेजो के घर में सत्ती और रूपी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा और वो ये मन बना चुके होंगे कि उन्हें तेजो की भलाई के लिए, तेजो के ठीक होने के लिए उसे मेंटल असाइलम में भेजना होगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि उनकी ये बातें जैस्मीन की ताई जी लवली छिप छिप कर सुन रही होंगी और जैस्मीन को जाकर बताएंगी तो जैस्मीन इमोशनल होने का ड्रामा करेगी, जिसके बाद आप ये भी देखेंगे कि रूपी अपनी वाइफ यानी कि तेजो की माँ से ये कहते नजर आएंगे कि उन्हें आखिरी फैसला फतेह पर छोड़ना होगा। इस वक्त वही है जो तेजो के लिए माँ भी है और बाप भी है। अगली सुबह जब फतेह घर आएगा तो सत्ती और रूपी दोनों ही फतेह से इस बारे में बात करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि वो तेजो को मेंटल असाइलम भेजने का मन बना रहे हैं। खुशबीर भी इस बात में उनका साथ देगा और आखिरी फैसला फतेह पर छोड़ देगा। घर में फतेह को देखकर तेजो काफी ज्यादा खुश होगी और वो फतेह से जिद करेगी कि उसे उसके दोस्तों से मिलना है, जिसके बाद फतेह तेजो को डांट लगाएगा और कहेगा कि वो दोबारा किसी अनजान शख्स के साथ ना जाए, जिसके बाद तेजो रोने लगेगी और वो तेजो को मनाता हुआ नजर आएगा। बाद में तेजो फतेह को मनाने के लिए बंदर की तरह डांस करती दिखाई देगी। ये देखकर जैस्मीन मन ही मन काफी ज्यादा खुश होगी और ऊपर से दिखाएगी कि उसे बुरा लग रहा है। जैस्मीन सोचेगी कि आखिर फतेह ने ये पिकनिक अचानक क्यों प्लान किया है। फतेह सभी घर वालों से कहेगा कि वो आज नॉर्मल रिएक्ट करे और तेजो को बिल्कुल भी इस बात का एहसास ना होने दें कि बीते दिनों में कुछ भी गलत हुआ है। वेल, आगे क्या कुछ होता है कहानी में नया, इसका पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से चलेगा। टीवी डाउन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।